Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 geometry lesson number 5, coordinate geometry, practice set 5.1 part 2. So दोस्तों इस वीडियो को देखने के पहले आप लोग बेसिक पार्ट और पार्ट 1 जरूर देखिए. पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. तो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है. डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर. हमको ये बताना है कि ये जो पॉइंट है वो कोलिनियर है या नहीं है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जिस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए थे उसी हिसाब से ये तीन के तीनों का हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. जैसे ये क्या है, ए बी बी सी एंड सी ए का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. उसके बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं है. तो हम लोग करते हैं, ए की वैल्यू लिखते हैं 1-3 और बी की वैल्यू लिखते हैं 2-5. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2. तो अब हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, x1 की वैल्यू आई 1 y1 की वैल्यू आई -3 x2 की वैल्यू आई 2 और y2 की वैल्यू आई -5. ठीक है, हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. ए बी x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, यही बन रहा है. तो यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं इसको x2 क्या है 2 और x1 कितना है 1. हो जाएगा 2-1 द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -5 -3 का होल स्क्वायर. हो जाएगा 2-1 कितना है, 2-1 हो जाता है 1 का स्क्वायर प्लस -5 + 3 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 4. यहाँ पे आया √5. ये किसका आया, डिस्टेंस ए बी आया. अब हम लोग बी सी निकालेंगे. बी दिया गया है 2-5 और सी दिया गया है -4 - 7. अब इसका भी ऐसे ही लिख लो, x1 ये होगा y1 और ये हो जाएगा x2 ये हो जाएगा y2. x1 की वैल्यू हो जाएगी 2, y1 की वैल्यू हो जाएगी -5 और c की वैल्यू में x2 की वैल्यू हो जाएगी -4 और y2 की वैल्यू हो जाएगी 7. अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो. डिस्टेंस किसका निकालना है, बी सी का. तो इसका भी फॉर्मूला वही आएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, x2 कितना है -4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया गया 7 माइनस y1 कितना दिया गया -5 द होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा -4 - 2 - 6 का स्क्वायर प्लस जगह 7 + 5 का स्क्वायर. तो -6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर. तो यहाँ पे बनेगा 36 + 144. तो 36 + 144 कितना होता है 180. तो इसका फैक्टर निकाल लो, 2 × 2 × 3 × 3 × 5. देखो 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 45 × 2 = 90, 90 × 2 = 180. तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 2 × 3 कॉमन निकाल दो, 2 × 3 कॉमन निकाल दिया √5. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6 √5.
फाइव। अभी हमको किसका निकालना है, देखो ए बी का निकाल दिए, बी सी का निकाल दिया, अब सी ए का निकालेंगे, मीन्स ए सी का निकालेंगे। तो यहाँ पे ए लिख लो, ए का दिया है 1-3 और सी का दिया गया है -4-7। तो ये क्या होगा हमारा एक्स वन, ये हो जाएगा वाई वन, ये हो जाएगा एक्स टू, ये हो जाएगा वाई टू। यहाँ पे लिखो एक्स वन इक्वल टू 1, वाई वन इक्वल टू -3, वहां पे एक्स टू इक्वल टू -4 और वाई टू इक्वल टू 7। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ किसका निकालना पड़ेगा, ए सी। तो फॉर्मूला अभी हम पुट कर देते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर। एक्स टू कितनी है, -4 माइनस एक्स वन का वैल्यू 1 प्लस स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वाई टू कितना है 7 -3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 -1 -5 का स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा 7 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 7+3 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 100, ये हो गया 125। ये किसका है बनेगा, ये हो जाएगा 5 × 5 × 5, फैक्टर निकाल दो। अब इसमें से कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, बाहर आ जाएगा 5√5। डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारा है √5, डिस्टेंस ऑफ बी सी आया है 6√5 और डिस्टेंस ऑफ ए सी आया है 5√5। तो इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे सबसे जो बड़ा रहेगा ना, बड़े को छोड़ दो, तो इसमें से बड़ा कौन सा है 6√5 और बाकी सबको जोड़ दो। तो यहाँ पे लिखो एडिंग 1 and 3, तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी, इसी को ये ऐड करना है। तो ए बी की वैल्यू क्या दिया है √5 प्लस ए सी की वैल्यू आ गई है 5√5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर नहीं है कुछ तो 1 कर सकते हो, तो इसको हो जाएगा 5√6 √5। ये किसके इक्वल आ रहा है, देखो ये इसके बीच में इक्वल आ रहा है, ये दोनों का टोटल इसके बराबर आना चाहिए। सो दैट यहाँ पे लिखो डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी, सो दैट पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, एल दिया गया है -2, 3, एम दिया गया है 1-3। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये एक्स वन, ये वाई वन, ये एक्स टू, ये वाई टू। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स वन इक्वल टू 2 और यहाँ पे एक्स टू इक्वल टू 1 और वाई वन इक्वल टू 3, वाई टू इक्वल टू -3। देखो एक्स वन -2, वाई वन 3, एक्स टू 1 और वाई टू -3। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, हम लोग किसका निकाल रहे हैं, एल एम का निकाल रहे हैं। डिस्टेंस एल एम इक्वल टू √x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, 1 माइनस
माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री माइनस थ्री द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन प्लस टू द होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स होल स्क्वायर। यहाँ पे होगा वन प्लस टू थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स का स्क्वायर 36। तो थ्री का स्क्वायर पहले फाइंड कर लो, नाइन प्लस 36 ये हो गया 45। 45 का फैक्टर निकालना है, थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव, तो हो जाएगा थ्री अंडर रूट फाइव। अब हम लोग यम एन का निकालते हैं, तो यम का लिख लो, यम है वन माइनस थ्री और यन है फाइव फोर, ये हो जाएगा यक्स वन वाई वन, ये हो जाएगा यक्स टू वाई टू। यक्स वन इक्वल टू वन, वाई वन इक्वल टू माइनस थ्री, यक्स टू इक्वल टू फाइव, वाई टू इक्वल टू फोर। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से किसका निकाल रहे हैं हम, यम एंड एन का। यम एंड एन का क्या बनेगा, यहाँ पे लिख लो यक्स टू माइनस यक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर, तो हो जाएगा यक्स टू, यक्स टू कितना है फाइव माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर माइनस थ्री द होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा फाइव माइनस वन फोर का स्क्वायर प्लस फोर प्लस थ्री का स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर का स्क्वायर प्लस फोर प्लस थ्री सेवन का स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस फोर्टी नाइन, यहाँ पे हो जाएगा ये सिक्सटी फाइव। अब हम लोग एन एल का निकालते हैं, एल कितना दिया गया है माइनस टू थ्री, एन दिया है फाइव फोर, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो एक्स वन की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू, वाई वन की वैल्यू हो जाएगी थ्री, फिर यक्स टू की वैल्यू हो जाएगी फाइव और वाई टू की वैल्यू हो जाएगी फोर। यहाँ पे अभी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला किसका लगाएगा, यल यन का, तो क्या बनेगा यहाँ पे, यक्स टू माइनस यक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, एक्स टू कितना है फाइव माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई टू कितना है फोर माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा फाइव प्लस टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो फाइव प्लस टू का स्क्वायर कितना होता है सेवन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फोर्टी नाइन प्लस वन, फोर्टी नाइन प्लस वन कितना होता है फिफ्टी, फिफ्टी का फैक्टर निकाल दो, ये हो जाएगा फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव इंटू टू, तो ये फाइव बाहर आ जाएगा, हो जाएगा फाइव अंडर रूट टू। यहाँ पे लिखो एडिंग, इसको वन दे दो, इसको दे दो वन, ये हो जाएगा टू और ये हो जाएगा थ्री, एडिंग वन एंड थ्री, तो वन क्या है डिस्टेंस ऑफ एल एम प्लस डिस्टेंस ऑफ एल एन इक्वल टू, ये हो जाएगा थ्री अंडर रूट फाइव प्लस फाइव अंडर रूट टू। अब इसको ऐड करना है, सो दैट डिस्टेंस ऑफ एल एम प्लस डिस्टेंस ऑफ एल एन इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ
M N, so that points L M and N are not collinear.